एग्जाम्पल रहता है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ये है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनम बिलोंग टू, ठीक है, तो जितने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनम हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो फाइव किंगडम सिस्टम में है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई बैक्टीरिया तो है ही नहीं, प्लांटी है और एनिमलिया है, ये फाइव किंगडम सिस्टम है। इसमें से किस किंगडम में सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनम रखे गए हैं, तो वो प्रोटिस्टा है, ठीक है, और प्रोटिस्टा है जिसमें कि ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनम रखे गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, तो पहले का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनेरा में जितने प्रोकैरियोटिक हैं सब रखे गए हैं, फंजाई में यूकैरियोटिक है लेकिन फंजाई है, बैक्टीरिया तो है ही नहीं फाइव किंगडम सिस्टम में, बैक्टीरिया, वायरस और वायरवर्ड है तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो रूल आउट हो गया, मोनेरा भी रूल आउट हो गया। फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है ना कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने हैं सब के सब प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, तो ये पहले का बी सही हो गया, ऑल यूनिसेलुलर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1969 में आया था और इसको प्रपोज्ड किया था आर एच विटेकर ने। इस फाइव किंगडम सिस्टम में कौन कौन सा किंगडम था, एक था पहला तो मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है, तो ये था फिलहाल साइंटिस्ट का नाम बस पूछा ना, तो साइंटिस्ट का नाम आर एच विटेकर हो गया, दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो करलस लिनियस है, करलस लिनियस तो टू किंगडम सिस्टम दिए थे, टू किंगडम सिस्टम, उनके टू किंगडम सिस्टम में एक था फंजाई, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमलिया, टू किंगडम सिस्टम दिए थे। आर रॉक्सबर्ग पार्क वर्चू ई सेल्ला सिल्ली वर्चू दिए थे, ई सेल्ला सिल्ली, ठीक है ना, ये दिए थे, ये रोडाल्फ वर्चू, तो ये दोनों तो तीनों रूल आउट हो गए, आर एच विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे 1969 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग ए साल्टी एरिया कॉल्ड, तो जो ऐसा अगर ऑर्गेनिज्म साल्टी एरिया में रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म अगर साल्टी एरिया में रहते हैं तो उनको बोला जाता है हैलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि साल्टी एरिया में रहते हैं, वो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म आर्ची बैक्टीरिया है। आर्ची बैक्टीरिया का 3 है, एक है हेलोफाइल्स, दूसरा है मेथनोजन जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं, मेथेनोजेंस, और थर्मोसिडोफाइल जो कि हार्ट स्प्रिंग में रहते हैं, तो ये मेथनोजन मार्शी एरिया में, साल्ट एरिया में नहीं, रोल आउट हो गया, हेलोफाइल साल्ट एरिया में, यही चाहिए है। हेलियोफाइट कुछ है नहीं, थर्मोसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, थर्मल हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं ना कि साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो ये भी रोल आउट हो गया। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द साल्टी एरिया कॉल्ड द हेलोफाइल्स, यही चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक करेक्टर जो होता है, यह होता है करेक्टर स्लाइम मोल्ड का, ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो होता है नेक्ड साइटोप्लाज्म होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये सेप्रोफिटिक होता है ना, इसी से पकड़ लो कि सेप्रोफिटिक कौन सा है, वैसे फंजाई भी सेप्रोफिटिक है, मोनेरा, ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड और नेक्ड साइटोप्लाज्म पकड़ना पड़ेगा, याद ये करना पड़ेगा कि स्लाइम मोल्ड आता है, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड आएगा, ठीक है, स्लाइम मोल्ड नेक्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है, नेक्ड साइटोप्लाज्म रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा और सेप्रोफिटिक रहेगा, स्लाइम मोल्ड चौथे का डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर है कि इन एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द हायर प्लांट एंड द फंजाई, एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द हायर प्लांट एंड फंजाई को क्या बोलते हैं, अगर रूट ऑफ हायर प्लांट फंजाई के बीच में एसोसिएशन हो रहा है तो उसको बोलता है माइकोराइजा, एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। और अगर एलगी और फंजाई के बीच में एसोसिएशन है, एलगी प्लस फंजाई का एसोसिएशन है, तो उसके बोलेंगे लाइकेन, इस एसोसिएशन को बोलेंगे लाइकेन, ठीक है। अब जो एल्गल कंपोनेंट एसोसिएशन बनाता है वो होता है फाइकोबियांट, और फंजाई अगर फंगल कंपोनेंट से हायर प्लांट से जा रहा है तो हटाओ, यहाँ पे सीधा रूट ऑफ हायर प्लांट ऑफ फंजाई के एसोसिएशन को पूछ रहा है क्या बोला जाएगा, तो माइकोराइजा बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकोराइजा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डाइकैरियोन फॉर्म्ड, इसका एक ट्रिक है बाइड, याद रखना कि डाइकैरियोटिक फेज जो पाया जाता है बेसिडियो मास्टिज और इसको मास्टिज जो पाया जाता है, डाइकैरियोन का मतलब होता है यन प्लस यन न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब यन प्लस यन न्यूक्लियाई पर सेल हो जाएगा,
तो इसमें डाइकायोटिन इज फॉर्मड व्हेन, कब बनता है ये, जब टू हैप्लॉयड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा, टू हैप्लॉयड सेल फ्यूज होता है तभी बनता है, मियोसिस अरेस्ट हो जाती है, नहीं मियोसिस अरेस्ट थोड़ी होती है, ये भी नहीं गलत है, साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ द अबव छठे का डी सही हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है चारों में से, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंटेगिवम वाइवम फ्लूडम किसने दिया था, कंटेगिवम वाइवम फ्लूडम बेजिरेंकिया ने दिया था, इसको याद करना पड़ेगा साइंटिस्टों को, किसने क्या दिया था, तो कंटेगिवम वाइवम फ्लूडम WM बेजिरेंक ने दिया था, सातवें का बी सही हो जाएगा, स्टैनले ने क्रिस्टल क्या किया था, ठीक है, और रॉबर्ट हुक तो पता नहीं, हाँ स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक डिजीज किया था, तो कंटेगिवम वाइवम फ्लूडम किसने दिया था, पॉइचर ने पॉइजनस टर्म दिया था, अरे हटाओ ये सब जो पूछा है वो बताओ, हाँ पूछा ये है कि कंटेगिवम वाइवम फ्लूड प्रपोज बाई, तो कंटेगिवम वाइवम फ्लूड प्रपोज बाई द बेजिरेंक WM बेजिरेंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट आर फाउंड इन, तो माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट फाउंड इन द लाइकेन, दोनों किस में पाया जाता है, लाइकेन में पाया जाता है, ठीक है, माइकोबियंट अगर फंगल कंपोनेंट से लाइकेन एसोसिएट हो रहा तो माइकोबियंट हो जाएगा, फंगल कंपोनेंट को माइकोबियंट और एल्गल कंपोनेंट को माइकोबियंट बोला जाता है, तो दोनों जो है माइकोबियंट फाइकोबियंट किस में पाए जाएंगे, लाइकेन में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सातवें आठवें का सी सही हो जाएगा, माइकोराइजा अगर फंजाई हायर प्लांट से एसोसिएशन कर रही है तो माइकोराइजा बोला जाता है, हायर प्लांट से, हायर एंजियोस्पर्म प्लांट से, वही हायर प्लांट, ठीक है। बीजिए तो साइनोबैक्टीरिया से कोई रिलेशन ही नहीं है, रूट फूट रूट गया था, रूट कुछ नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वायरॉइड, तो देखो वायरस और वायरॉइड में एक अंतर है, वो ये अंतर है कि वायरस में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, सॉरी वायरॉइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है और जबकि वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, एक तो ये अंतर हो गया, तो पहला तो सही भी बन रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन द वायरॉइड, नहीं गलत बात है, वायरस में भी आरएनए है और वायरॉइड में भी आरएनए है, लेकिन वायरॉइड का लो मॉलिक्यूलर वेट होता होगा ना, नहीं तो बात ये भी होगा नहीं ना, ये ठीक है, तो पहला ही सही है, वही बस प्रोटीन कोड वायरस में है और वायरॉइड में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट इवेंट, अच्छा तो जो इवेंट है, जो मतलब सेक्सुअल साइकिल का जो इवेंट है वो कैसे होगा, पहले तो प्लाज्मोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी होगा, देन मियोसिस होगा। प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, मियोसिस में जायगोटिक मियोसिस होगी, ये होता है ना, हाँ सिक्वेंस तो प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी और मियोसिस हो गया, ठीक है, किसमें क्या होता है, ओके फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई कैरियोगैमी और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन को बोलेंगे, तो ठीक है, तो ये तीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कितना हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वायरस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रिप्लिकेट देमसेल्व वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच आर द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू द, वही वायरस वायरॉइड एंड लाइकेन को किसी भी किंगडम सिस्टम में स्थान नहीं दिया गया है, न मोनेरा न प्रोटिस्टा न फंजाई किसी में नहीं दिया गया है, तो ये नन ऑफ द एबव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछा है कि एमसीक्यू का लास्ट एमसीक्यू, मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटिस फाउंड इन, अच्छा फाइकोमाइसिटिस कहाँ फाउंड होता है, कहाँ मतलब इसका हैबिटेट क्या है, तो एक्वाटिक हैबिटेट में, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, ओके डिकेइंग वुड में रहता है, ये भी डिकेइंग वुड में रहता है, मॉइस्ट एम्प्लेस पर रहता है ऑब्लिगेट पैरासाइट आता है प्लांट, चारों सही है, तो ऑल ऑफ द जितना है सब फाइकोमाइसिटिस सही है, ओके तो ठीक है, ये हो गया।